हे गाइस नमस्ते, मैं अनु कुमारी। स्वागत है आप सभी का धनर्शन बिहार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किडनी के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना किडनी के पेशेंट के लिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वह यह है कि वो अपने खान पान का कैसे ख्याल करें। खास करके जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, वो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा सवाल यही लोग पूछते हैं कि मैम हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। हालांकि अगर आप अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं तो आपका जो किडनी लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, उनका जो किडनी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किडनी जो है ये होता क्या है, ठीक है। बेसिकली अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपने ये देखा होगा कि लोग जब आप उससे संबंधित इलाज करवा रहे होते हैं हॉस्पिटल में, तो आपके जो है ब्लड टेस्ट वो होते रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड सैंपल जो ले जाते हैं, ठीक है, और ब्लड का जो टेस्ट होता है, एक टेस्ट का नाम होता है LFT होता है, KFT होता है। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें जो है आपके जो है क्रिएटिनिन लेवल होते हैं, बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जो रूटीन चेकअप होते हैं, ठीक है, वो भी किडनी के मरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है लगभग एडवाइस देते हैं। लेकिन किडनी के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बॉडी में खून ही नहीं है और डॉक्टर जो हमारा खून खींच रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टर जो ब्लड आपके ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं आपकी जाँच के लिए, वो आपकी भलाई के लिए है, ठीक है। ब्लड सैंपल जाएगा तभी, जब आपका रिपोर्ट आएगा तब जाके पता चल पाएगा कि आपका किडनी लेवल क्या है। उस हिसाब से डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं, इलाज करते हैं, आपका आगे आपकी दवाई की डोज भी निर्धारित होती है। जैसे CBC करते हैं, LFT करते हैं, KFT करते हैं, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे कि पता चलता है कि आपके ब्लड में कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मात्रा बढ़ी हुई है या घटी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहली बात ये जो है कि जो किडनी के मरीज है ना, उन्हें ऐसे संतुलित डाइट की जरूरत होती है जो जिसको वो आसानी से पचा सके, ठीक है, ताकि जो उनके ऑर्गन है ना उन्हें कम काम करने की जरूरत पड़े। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं। और जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा ख्याल यह भी रखना चाहिए कि उन्हें अपना जो है डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो वहाँ अगर डायटिशियन है तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार जो है आप एक डाइट चार्ट बनवा लें, अपने फाइल को ले जाए, अपनी रिपोर्ट दिखवा करके आप जो है अपना एक डाइट चार्ट बना लें, ठीक है। अगर नहीं, अगर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और आप किडनी के मरीज हैं, तो मैं एक सिंपल सा आपको डाइट चार्ट बता रही हूँ, जो कि लगभग क्रोनिक डिजीज में या फिर किडनी के पेशेंट हो या फिर अभी थोड़ा बहुत ही आप इनकी हो, तो फिर इन सारे किडनी की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें आप इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से पचा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, अब क्रिएटिनिन लेवल मैंने समझा दिया आपको कि क्या होता है, ठीक है, वो ब्लड में जो होता है क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसी ही हम लोग क्रिएटिनिन कहते हैं, ठीक है, वो मेडिकली लैंग्वेज में होता है। मैं आपको सिंपल सा समझा रही हूँ, ठीक है। उससे बढ़ने से ही जो है हमारा किडनी जो है वो खराब होता है। जो सबसे ज़रूरी बात है वह यह है कि आपको अपने खाने में कोई भी ऐसी चीज़ें या ऐसी खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाना है जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा वाले कोई भी फ्रूट्स भी नहीं खाने और ना ही खाना खाना है। आप आमतौर पे अगर मैं कहूँ तो आप जो है थोड़े बहुत अनाज खा सकते हो, जैसे कि चावल, रोटी, उसमें भी पतली रोटी आप खा सकते हो, चावल में भी थोड़ा सा चावल खा सकते हो, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूँ आपके फ्रूट्स के बारे में, तो आप जो है एप्पल, अमरूद और वाटरमेलन थोड़ा बहुत खा सकते हो, ठीक है। ककड़ी होता है वो आप खा सकते हो, इनमें जो है पोटेशियम का लेवल थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो आप इस फ्रूट्स को जो है आप खा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं अदर फ्रूट्स की बात करूँ तो आप उसे नहीं खा सकते हैं, जैसे कि केला हो गया और जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं ना, आप उसे बिल्कुल भी मत खाना, सारी चीज़ें अवॉइड कर दो। उन्हें जो है अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा परहेज करके चलनी चाहिए, ठीक है। आपको जो है डॉक्टर के हिसाब से ही डाइट लेनी चाहिए। तो मैं नहीं खाने वाले फलों की लिस्ट बता देती हूँ। आप जो है ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि इन्हें भी पचाने में काफ़ी ज़्यादा वो, और उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम, मतलब सारे विटामिन्स बहुत ज़्यादा भर भर के होते हैं, जो कि आपकी किडनी पे, आपके और भी ऑर्गन पे लोड पड़ सकते हैं उसे पचाने में, इसलिए उसे आप नहीं खा सकते, ठीक है। और बात रही पानी की, तो अगर आप हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार ही आप पानी पिए। ज़्यादा अगर कम पियेंगे पानी तो वो भी नुकसान है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही पी लेते हैं पानी तो वो भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो सीमित मात्रा में जो आपके एडवाइस हो उस हिसाब से ही आपको पानी पीनी चाहिए।
चलिए तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं डाइट चार्ट किस हिसाब से आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए अपने पेशेंट के लिए और उस हिसाब से खाना खिलाना चाहिए। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो आपको सुबह के 8:30 से 9:30 के बीच में जो है पेशेंट को आप ऐसे हल्की डाइट दीजिए, जैसे कि पोहा दे सकते हैं आप और सूजी का बना हुआ जो है इडली दे सकते हैं, साथ ही आप दूध दे सकते हैं लेकिन आधा कप, इससे ज़्यादा दूध भी ना दें। साथ ही अगर मैं बात करूं तो पेशेंट को उस टाइम पे जो है रिकवर होने के लिए, ताकत के लिए भी, प्रोटीन की भी जरूरत होती है, तो कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कि प्रोटीन हो। हालांकि प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन सीमित मात्रा में देना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसकी भी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इडली, उपमा, पोहा, इन तीनों में से किसी एक को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप आधा कप दूध ले लें, या नहीं तो आप 1 से 2 रोटी, पतली रोटी जो है वो ले सकते हैं, पनीर की सब्जी के साथ ले सकते हैं, या कोई भी मिक्स वेज, हरी वेजिटेबल्स जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम दोपहर के खाने की बात करते हैं। तो खाने में आप 2-3 रोटी के साथ जो आप हरी पत्तेदार सब्जी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर सब्जी में आप ऑप्शनल पनीर भी, थोड़ा बहुत मात्रा में पनीर का यूज़ कर सकते हैं, और फिर साथ ही आप चाहे तो दाल, दाल में जो है मूंग की दाल का आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम रात के खाने की बात करें तो आप 8 से 9 के बीच में आप जो है एक पतली रोटी खाएं, और ध्यान यह रखें कि अपने खाने में जो है नमक की मात्रा को कम रखें। साथ ही जो है आप आधा कटोरी सब्जी का इस्तेमाल करें या फिर दाल भी ले सकते हैं। मूंग का दाल और पनीर थोड़ी बहुत मात्रा में इसलिए शामिल करने के लिए बोल रही, क्योंकि थोड़ी आपकी जो है बॉडी को थोड़ी बहुत प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि पूरी हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।